सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नंगूरा गांव के भट्टेश्वर बिठा मंदिर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इनसो की कार्यकारिणी को भंग करने पर उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल को दोबारा से आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को कई साल हो गए जनता ने सत्ता से बाहर किया और आज तक भी जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल को माफ नहीं किया है। किसी भी दल को जनता अगर सजा देती है तो एक या दो चुनाव में माफ कर देती है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को आज तक भी जनता ने माफ नहीं किया, इसलिए वो जनता से माफी मांगी। देखो, जहाँ तक इनेलो का आपस का विवाद है उस पर मैं कुछ कभी कुछ ना कहा ना कहेंगे, वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो उस पर मैं कुछ उसमें नहीं कहना चाहता। मैं केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इनेलो को ये आत्ममंथन करना चाहिए इस बात के लिए कि क्या कारण है कि पिछले एक बार जब उनकी सरकार बनी उसके बाद से लेकर आज तक 15 साल हो गए और लगभग 20 साल हो गए अब तो, और 3 चुनाव हो गए, चौथा चुनाव आ गया, ये हर बार लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। तो किस तरह के उनकी कार्यशैली रही होगी कि लोगों ने अभी तक उनको माफ़ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही होगी। नहीं तो लोग अगर एक बार किसी राजनीति में, प्रजातंत्र में, किसी दल को एक बार सजा देते हैं तो दूसरी बार उसको माफ़ भी करते हैं, तीसरी बार करते हैं, मगर इन लोगों का लगातार जो है हर चुनाव में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां आई होंगी और इन बातों पे उनको मंथन करना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की जनता की बात है, हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़ी है और उन आशा भरी नज़र से हुड्डा साहब की तरफ देख रही है। 10 साल का जो कार्यकाल हुड्डा साहब का रहा हरियाणा में, वो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, उसमें हर वर्ग के काम भी हुए, विकास भी हुआ और भाईचारे के साथ खुशहाली की तरफ हरियाणा गया, और हरियाणा दोबारा से उसी रास्ते पर जाए इस बात को लेकर हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी चल रही है, उनकी तरफ आशा भरी नज़र से देख रही है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का कार्यकाल खत्म होने को आया और अब लोगों की सरकार से कुछ नए काम की उम्मीद है और जो कि अब टूट चुकी है। भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में जनहित और विकास के नाम पर लोगों को धोखा ही दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का कार्यकाल याद कर रहे हैं और लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ही आस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांपला रैली को भी लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने हर वर्ग को निराश किया है। उन्होंने कहा कि किसान युवा से लेकर मजदूर तक आस लगाए बैठा था कि प्रधानमंत्री कुछ न कुछ नए लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी और व्यापक मंदी की मार झेल रहे समाज के हर वर्ग के लोगों को केवल निराशा और मायूसी ही हाथ लगी। आज भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के लोग कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। किसान कर्ज में डूबा है, उसको ना तो अपनी फसल का सही भाव मिल पा रहा है और ना ही फसल खराब होने पर उचित मुआवजा, तो वही युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है और व्यापारी अपराध, मंदी, नोटबंदी और गलत तरीके से लागू किए गए GST की। इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी को जनहित की बड़ी घोषणा कर लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए था। भाजपा सरकार ने पिछले 4 वर्षों में किसान पर चोट मारने का काम किया है। दीन बंधु को सही श्रद्धांजलि तब होगी जब किसान पर राजनीति नहीं बल्कि किसान के हक के काम होंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा घोलमाल है, जल भराव के कारण खराब हुई फसल से किसान बर्बाद हो रहा है और सरकार बीमा कंपनियों के दबाव में स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं दे रही। फसल बीमा के नाम पर फसल बीमा योजना विफल योजना है, 3 साल बीत गए लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। सांसद ने कहा कि चुनाव पूर्व भाजपा ने वादा किया था कि महंगाई घटाएंगे और पेट्रोल और डीजल के दाम आधे कर देंगे, मगर भाजपा का कार्यकाल खत्म होने को आया, दाम आधे होने के बजाय रिकॉर्ड तोड़ महंगे हो गए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार के सरकारी कार्यक्रम में जमकर दीन बंधु छोटू राम के नाम पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। सर छोटू राम 36 बिरादरी के मसीहा थे, वह कभी जात पात की बात नहीं करते थे। छोटू राम जी को सच्ची श्रद्धांजलि उस समय होती जब उनके नाम से बड़ी योजना की घोषणा करते। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने हरियाणा में सिर्फ दिखावे की राजनीति की है। क्या चीज है कि स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं दिए सरकार, ऐसी कौन सी चीज है हमें समझ में नहीं आ रहा। स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा, ताकि किसान का नुकसान रिकॉर्ड में आए और किसान को रिकॉर्ड में आने के बाद पूरा मुआवजा मिले। हमारी मांग है 20 से 30 हजार एकड़ के हिसाब से मुआवजा डिक्लेयर करे सरकार,
ये कंपनियों पे डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि निजी कंपनियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार को किसानों की तरफ से बात रखनी पड़ेगी, ना कि निजी कंपनियों की तरफ से। और यह मैं समझता हूँ बहुत से एरिया के अंदर केवल नुकसान ही नहीं है, बल्कि अगली फसल का भी नुकसान होने की आशा आकांक्षा है, क्योंकि वो अपना बुआई का भी पानी खड़ा है, बुआई पता नहीं कित कैसी होगी। तो उस रबी की फसल का भी, गेहूं की फसल का भी मुआवजा साथ में सरकार, दोनों फसलों का मुआवजा साथ में सरकार डिक्लेयर करे, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, पुराना मुआवजा भी नहीं मिल लिया। बहुत जगह ऐसी जगह हरियाणा के अंदर आप जाके देखिए, सिरसा से लेकर भिवानी तक पूरे एरिया के अंदर पुराना मुआवजा भी अभी जो है किसान का बकाया है, निजी प्राइवेट कंपनियां नहीं दे रही है। जो रिलायंस कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है, इनको पकड़े सरकार और इन पे जो है इनसे लें पैसा, वसूलें। इन कंपनियों ने सीधा किसानों के खातों से काटे हैं पैसे, ये आपको मैं जानकारी में लाऊं, प्रीमियम काटा हुआ है। तो ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे, इन कंपनियों से पैसा लेके और किसान की काम मुआवजा पूरा करे सरकार, ऐसी हमारी मांग है। नहीं तो हम आने वाले समय में पूरी तरीके से सड़क से लेकर और संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। वॉइस ऑफ हरियाणा के लिए जींद से इंद्रजीत शर्मा की रिपोर्ट।